हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। एक्सेल के अंदर आज नया क्या सिखा रहा हूं, आइए आपको दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट और तमाम सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, और इसको मैं कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, यानी कि पीछे कलर जो है बैकग्राउंड पे मैं डाल देता हूँ। और अब हम हाइड करना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप इस सेल को हाइड करना चाहते हैं, इस रो को हाइड करना चाहते हैं, इस कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, सवाल कोई भी हो सकता है। तो यहां पर अगर आप इस सेल को हाइड करना चाहते हैं या फिर सपोज कीजिए इस कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, सेल नहीं बल्कि कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, यहाँ इस कॉलम हेडिंग पर क्लिक करिए, राइट क्लिक करेंगे, यहां पर आपको मिल जाएगा हाइड ऑप्शन, ये मिला तो यहां से हाइड पर क्लिक कर देते हैं, हाइड हो जाती है। ठीक है, और जब इसको शो कराना हो तो पूरे शीट को सेलेक्ट करके और यहाँ पर क्लिक करके और अनहाइड पर क्लिक कर देते हैं, तो ये अनहाइड हो जाती है। लेकिन शॉर्टकट की मदद से इसको कैसे करेंगे और एक साथ मल्टीपल कॉलम्स को करना हो तो कैसे करेंगे, इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया आपने, या इस कॉलम के किसी भी सेल पे क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद आप कंट्रोल के साथ अल्फा न्यूमेरिक की 0 प्रेस कर दीजिए, तो ये हाइड हो गया। ठीक है, समझ में आई बात, हाइड करने का तरीका समझ में आया। अब देखिए, अब मान लीजिए कि मल्टीपल को करना हो तब क्या करेंगे, तो यहां पर आपको क्या करना है, आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमें ए को करना है और एफ को करना है, बाकी किसी को नहीं करना है। ठीक है ना, तो यहां से आप ए को सेलेक्ट कर लीजिएगा और कंट्रोल बटन प्रेस करके एफ को सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों सेलेक्ट हो गया। अब दोनों को हाइड करना है तो यहां पर अब आपको क्या करना है, कंट्रोल 0 प्रेस कर देना है, तो सीधा सीधा कंट्रोल 0 प्रेस कीजिए, दोनों हाइड हो गया। हाइड हो गया कि नहीं, समझ आई बात। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाइड करा सकते हैं। और इसके बाद अगर रो को करना हो तब क्या करेंगे, तो रो के लिए मैंने पहले बता रखा है, आपको जिस रो को करना हो उस रो पे चले जाइए। जैसे मान लीजिए इस वाले रो जहां क्लिक किया है, इस वाले यानी 7 वाले रो को आपको हाइड करना है। आप रो को रो हेडिंग से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या कहीं पर इस रो के अंदर क्लिक रखिए और कंट्रोल के साथ 9 अल्फा न्यूमेरिक की 9 प्रेस कीजिए, हाइड हो गया, रो हाइड हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से हाइड करा सकते हैं रो को भी और कॉलम को भी।